नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड पर लिखा भारत, कांग्रेस बोली कितना कंफ्यूजन है। इवेंट का नाम आसियान इंडिया, हिस्सा लेंगे भारत के पीएम। G20 के इन्विटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद अब पीएम के ऑफिशियल दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। मोदी बुधवार को 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन यानी EAS में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। पीएम के इस दौरे से जुड़ा एक इनविटेशन कार्ड बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आ रहा है। यही कार्ड कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी शेयर किया और लिखा, देखो मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज है। इवेंट का नाम 20वां आसियान इंडिया सम्मेलन है, जिसमें हिस्सा लेंगे भारत के प्रधानमंत्री। यह सब ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है। इंडिया वर्सेस भारत विवाद पर किसने क्या कहा? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में है। मैं हर किसी को इसे पढ़ने के लिए कहूंगा। जब आप भारत कहते हैं तो आपको इसका अर्थ समझ आता है और मुझे लगता है कि यह हमारे संविधान में भी रिफ्लेक्ट होता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार को ब्रिटिश शासन से कोई समस्या है तो उसने तुरंत राष्ट्रपति भवन छोड़ देना चाहिए। आजादी से पहले यह वायसराय हाउस था। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को त्याग करें, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो और जरूरत पड़े तो उसे गोले से उड़ा दो। एक्टर जैकी श्रॉफ ने कहा, भारत को भारत कहा जा रहा है, इसमें बुरी बात नहीं है। नाम बदलने से हम नहीं बदल जाएंगे। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआरसी जेस ने कहा, हम हमेशा भारत माता की जय कहते हैं, भारत तो हमेशा रहा है। विपक्षी गठबंधन INDIA के नाम पर भाजपा हमलावर, जाने क्या है यह मामला। इंडिया नाम को लेकर विवाद तब से शुरू हुआ जब विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। गठबंधन की पहली बैठक बेंगलुरु में हुई थी। इसमें अलायंस का नाम INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया था। इसके बाद भारत विपक्ष पर हमलावर हो गए। पीएम मोदी ने इंडिया की जगह इसे खमंडिया गठबंधन का नाम दिया। वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी को इंडिया नाम लेने से इतनी दिक्कत क्यों है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।